सेम प्रैक्टिस जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया वो भी सेम प्रैक्टिस करता है, सेम रेंज सेम सब कुछ होता है, सिर्फ प्रेशर की बात होती है कि प्रेशर झेल गया तो फिर जीत गया। Good afternoon, everyone. Today, Harshit Bansal is here again with another live webinar session with our Asian Games silver medalist Lakshay Sharan, who has represented India in 2018. Thank you so much, Lakshay, for coming and giving us time. And basically, we are here today to discuss about Olympics. What happened in Olympics? The past 1 week, हमने देखा कि हमारे Indian athletes ने shooting में अलग-अलग events में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। तो एक आपने शूटिंग को इतने पास से आपने एक्सपीरियंस करा है, आपने एशियन गेम्स में खेला हुआ है, तो आपका एक एक्सपीरियंस एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से कैसा रहा है शूटिंग में, तो हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली ऑडियंस के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य, आप अपने बारे में हमें हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने कैसे शूटिंग में, मतलब सबको पता है कि आप एशियन गेम्स में आपका सिल्वर मेडल था, आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं 4 times, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कैसे शूटिंग में स्टार्ट करा, हम थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे। बचपन से ही था शौक मुझे शूटिंग का, कि शूटिंग में ही जाना है, गन्स के साथ खेलता रहता है, टॉय गन होती है जो, बस वहीं से इंटरेस्ट बना था मुझे कि शूटिंग में ही जाना बस। आपने स्टार्ट कौन सी एज में करा था शूटिंग? मैंने स्टार्ट किया था 16 की एज से। और आपको आप कहाँ पे आपने शूटिंग सीखी है? मैं हरियाणा जींद से हूँ, तो वहीं पे एक शूटिंग एकेडमी थी स्कूल में ही, तो 10 meter से स्टार्ट किया था मैंने, तो चलते चलते आ गया था दिल्ली, पहुंचा मैं स्टेट खेलने के लिए। अच्छा। मेरे को घर वाले कहते कि अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो दिल्ली रेंज पे जाके कर लो, जहाँ पे अच्छा। गेम्स होंगे वहां पे कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं दिल्ली प्रैक्टिस करने के लिए आया, देन मैं प्रैक्टिस कर रहा था 10 meter की, देन मेरे को यहाँ पे शॉटगन दिखी। मैंने 1 week पहले ही घर पे बोल दिया कि मेरे को शॉटगन करनी है, पिस्टल नहीं करनी है। तो घर वाले कहते ऐसे नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, करना है तो यही करना है। देन पापा बोले ओके चला लो। देन मैंने 1 week प्रैक्टिस की थी शॉटगन की, स्टेट में गोल्ड आ गया था मेरा, तो फिर वहीं से शुरू हो गया चलते चलते। घर वाले बोले अब इसी से कर, अब चेंज मत करना, तो वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट की। बहुत। तो आपने एशियन गेम्स में आपका कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने एशियन गेम्स के लिए कैसे आपका स्टार्ट हुआ? एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स हुए थे। अच्छा। ट्रायल्स में मैंने टॉप किया था, तो फर्स्ट 2 athletes जाते हैं एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा। तो तब सिलेक्शन हुआ मेरा। तो बहुत ही अच्छा। और फिर हमें पता ही है, फिर आपका सिल्वर आया था एशियन गेम्स में, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। बेसिकली अगर डिस्कशन है हमारा व्हाट हैपेंड इन ओलंपिक्स है, तो बेसिकली हम आप एक शूटर हैं, आपको पता है शूटिंग एज ए स्पोर्ट कि वो चलता कैसे है, वो इतने टाइम से कैसा चला आ रहा है, आपने खुद इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो आपके हिसाब से शूटिंग ने क्या प्रोग्रेस करा है? अगर हम ओलंपिक्स की बात करें कि पिछला पूरा एक हफ्ता ओलंपिक्स के लिए शूटिंग में हर एथलीट ने, अराउंड 15 athletes गए थे इंडिया से, हर एथलीट ने अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करा है, कुछ एथलीट्स को आप जानते हैं, कुछ एथलीट्स आपको आप उनसे रूबरू हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से इंडिया ने कैसा एक परफॉर्मेंस करी है ओलंपिक्स में अगर हम बात करें तो? इंडिया में अच्छा किया है, अब की बार ज्यादा एंट्रीज गई है ओलंपिक्स में पिछली बार से, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इंडिया को उनसे, इसीलिए थोड़ा सा बुरा तो लगता है बट होता है थोड़ा सा। तो बेसिकली अगर हम अगर एक एथलीट की बात करते हैं, अगर हम अंगद बाजवा की बात करते हैं, ठीक है, वो भी ट्रैप शूटिंग में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्कीट शूटिंग में, सॉरी, तो अगर एक एथलीट जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में जाता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जिसकी प्रिपरेशन होती है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? उसमें थोड़ा सा प्रेशर आता है दिमाग पे, बट कंट्रोल कर लेता है, ओलंपिक में गया है बंदा तो प्रेशर कंट्रोल करना था उसको। अगर हम मनु स्कीट में अंगद जी बताइए जी
स्कीट में अंगद बाजवा है, मेराज खान है, बहुत, मेराज खान जो बहुत एक्सपीरियंस शूटर है, बहुत ही ज्यादा, मेरी एज नहीं है उससे ज्यादा से वो शूटिंग कर रहे हैं। एंड अंगद बाजवा है, उसके अंदर जुनून बहुत ज्यादा है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बहुत ज्यादा है उसमें। मन्नू बाका अच्छा है, मन्नू बाकर भी फोकस्ड रहती है बिल्कुल। एंड मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा सौरभ चौधरी का, बिल्कुल काम अच्छा शूटर है वो, देन बहुत मेहनत करता है, थोड़ा तो आप सा काफी बुरा लगा पर्सनली कि जानते हैं इसका नहीं सौरभ आया को, कि मेडल। मतलब उसकी ट्रेनिंग से आप थोड़ा जी सा अब वाकिफ हैं कि वो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, उनके बारे से आप उनसे की बातचीत होती है। जी बहुत सिंपल फोकस्ड है बिल्कुल, कि ना ज्यादा बात करनी किसी से ना कुछ और। अब लेट्स से हमारा अभी शूटिंग जो हमारा 1 हफ्ता गया था पीछे, इसके बाद अब जी हमारे और इवेंट्स आ रहे हैं। मतलब इंडिया, बहुत सारे एथलीट जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट करा था, एक प्रेशर होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो एक एक्सपीरियंस मिला हमें शूटिंग से जो हमें आगे यूज होगा, बट हम कॉमनवेल्थ जो हमारा 22 में है, जो हमारे एशियन गेम्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं जी शूटिंग की, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हमारे एथलीट से, कि हमारे एथलीट्स के साथ ये बेटर होगा हमको, या ये चीज बेनिफिट करेगी? जी देखो एक्सपेक्टेशन तो करेगी इंडिया, तो हर एक स्पोर्ट्समैन से करेगी ही करेगी, बट प्रेशर अगर झेल जाए ना तो उसको हराने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, फिर वहां जाके सिर्फ प्रेशर का ही खेल है। सेम प्रैक्टिस हम करते हैं, सेम प्रैक्टिस जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया वो भी सेम प्रैक्टिस करता है, सेम रेंज सेम सब कुछ होता है, सिर्फ प्रेशर की बात होती है कि प्रेशर झेल गया तो फिर जीत गया, तो आपने तो खुद भी कुछ ना देखा कुछ हुआ है, सीखता आप एशियन है। गेम्स के टाइम पे जी आपने खुद भी देखा हुआ है जी एशियन गेम्स के, आपने एशियन गेम्स खेला हुआ तो आपको पता है कि एक कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में क्या प्रेशर आता है। जी तो हम ऐसा, अगर मैं आपसे जैसे 2 चीजें पूछूं कि ठीक है, हमारे एथलीट ने जब रिप्रेजेंट करा तो रियो से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंसेज हमें टोक्यो में मिली, ठीक है, लोगों ने ज्यादा जी देखा ये स्पोर्ट, जितने जितना लोगों ने रियो को देखा उससे ज्यादा लोगों ने टोक्यो में देखा। अब हमारा 2024 में पेरिस आएगा, तो हम पेरिस में कुछ ऐसी चीजें जो आपको एज जी एशियन गेम्स मेडलिस्ट आपको फील होता है कि हम ये चीजें करेंगे तो हमारी रिजल्ट बेटर हो सकते हैं, या फिर हम गोल्ड की तरफ और थोड़ा सा पास आ सकते हैं। इंडिया मेडल जीत रही है अलग अलग स्पोर्ट में, बट अगर हम शूटिंग को प्रमोट करना चाहें जी तो हम क्या चीजें ऐसा कर सकते हैं कि वो हमें 2024 पेरिस में हमें हेल्प करें? देखो 2015 में 16 में जब हुआ था, ट्रायल्स हुए थे शूटिंग के, तब इतनी एंट्रियां नहीं गई थी वहां पे शूटिंग में, अभी ज्यादा एंट्रियां गई हैं, देन नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्मेंस देगी इंडिया ओलंपिक्स में। थोड़ा सा लेवल अप आप होने लग रहा है क्योंकि अभी शूटिंग का धीरे धीरे। अब एंट्रीज भी और ज्यादा आने लग गई है, तो हमें लगता है जी कि लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो जी कोई ऐसी चीज जो आपने आपने खुद एक्सपीरियंस करी हो, मतलब एंट्रीज बढ़ रही हैं वो चीज है, बट एज अ एथलीट आपको क्या फील होता है कि शूटिंग में अगर हम इस चीज पे काम करें तो हो सकता है हमें रिजल्ट बेटर हो जाए? शूटिंग में प्रैक्टिस के टाइम कोई कमी नहीं होती, जब हम ओलंपिक खेलने गए हैं तो प्रैक्टिस के टाइम कोई कमी नहीं होगी, अगर 100% परफेक्ट होगा तब ही जाएगा ओलंपिक में, बस थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेके, एक्सपीरियंस होगा तभी मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे। तो हमें ये तो है ही कि जो एथलीट्स ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस, मतलब वो तैयारी तो होती ही होती है, वरना ओलंपिक्स में नहीं जा सकते। जी तो 2024 में हम बस एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे एथलीट्स और ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलेंगे और ज्यादा बड़े लेवल पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन्हें और एक्सपीरियंस आएगा, वहां से हमें हेल्प मिल सकती है कि एथलीट्स एक बेटर गेम खेल पाए और 2024 में हमें बेटर रिजल्ट्स मिल पाए। जी कुछ ऐसे एथलीट जो आपको लगता है कि एक या दो एथलीट्स ऐसे जनरल आपको फील होता है कि ये एथलीट्स 2024 के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, या फिर ये लोग कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे कुछ एथलीट्स जो आपको फील होते हैं? अंगद मेराज खान, इनको तो आप ऐड करके रखो फर्स्ट पे कि ये तो पक्के ही पक्के हैं।
ये हमारे मन्नू भाकर भी कॉमनवेल्थ, अच्छा है, सौरभ चौधरी भी है। जी तो ये एथलीट्स बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म भी करा है। सौरभ चौधरी ने क्वालिफाई भी करा था इस बार ओलंपिक्स में, जब उनकी क्वालिफाइंग इवेंट्स हुए थे, तो लगता है इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड कि ये कैसे आगे प्रोसीड करता है। आपकी क्या तैयारी रहेंगी, अब आपके नेक्स्ट टूर्नामेंट्स कौन से रहेंगे? नेक्स्ट टूर्नामेंट 2022 में ही होगा, तो एशियन गेम्स होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करना होगा। बहुत अच्छा है, मतलब मैं चाहूंगा कि अगर जहाँ पे इतने ओलंपियंस आ रहे हैं वहाँ पे आप भी उस चीज में आप भी एंटर करो, आप भी 24 के लिए आप भी सेलेक्ट हो। तो बेसिकली हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने एक आपका पर्सपेक्टिव जाना कि एथलीट का पर्सपेक्टिव कि इंडिया में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं बट एथलीट अपनी तरफ से पूरा 100% देता है। वो एक प्रेशर जो होता है वो विद टाइम जाता है, वो एक्सपीरियंस के साथ जाता है, बट परफॉर्मेंस में इंडियन टीम कभी भी पीछे नहीं हटी है। तो थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर गिविंग अस टाइम। आप